म really कर रहा था ऑफिस में, में कम जा रहा था और ऑफिस में जब जाता था बहुत से वीक और थ्राइस काम काज जब शाइनिंग पेपर होते थे ये सब क्योंकि ऑफिस बेसिकली रिहर्सल रूम था और शोज नहीं हो रहे थे उस वक्त तो कम हो गया था और मैं यहाँ रिकॉर्डिंग्स कर रहा था मैंने यहाँ मशीनें लगाई हुई थी और मैं रिकॉर्डिंग में बहुत बिजी था और बहुत सारे मैंने गाने रिकॉर्ड किए तो उसमें मैं बिज़ी हो गया था तो इन इन अ वे मैंने अपना रूटीन को इतना वैसे बना लिया था हाँ वो जो चीज़ें हैं लोगों से मिलना और सोशल इंटरेक्शन पार्टीज़ पे जाना या किसी फ्रेंड से बात करना किसी घर पे खाना वाना खाने जाना वो सब नहीं था मगर अदरवाइज़ इट वाज अ वेरी कंफर्टेबल टाइम एक्सेप्ट दैट यू गॉट टू सू सो मेनी ट्रेजिडीज़ इन द फिल्म इंडस्ट्रीज़ गॉट सो मेनी ट्रेजिडीज़ आउटसाइड सिंग द लॉस ऑफ़ लाइफ दिज वे और ट्रेजिक अकरेंसेस और उसकी वजह से दिल खराब होता था मगर अब कहते हैं ना कि अपने माहौल को या अपने लोगों को ठीक रखो तो हर कोई ऐसे ख्याल रखेगा अपने लोगों का तो शायद काफ़ी लोगों की जानें बच जाएंगी तो हम अपने लोगों का जितना भी हो सके यानी कि जो हमारे साथ काम करते थे जो हमारा स्टाफ था या जो कहा सबका ख्याल रखा हम लोगों ने और इस तरह से टाइम बीतता गया Uh, अबू जी आपने भी जिक्र किया कि बहुत बॉलीवुड की जब मैं बात करता हूँ ऋषि कपूर साहब इरफान खान साहब ऐसे वक्त में गए जहाँ ऑलरेडी हिंदुस्तान एक बीमारी से पूरी दुनिया एक बीमारी से जूझ रही थी जब आपको इन अजीम शख्सियतों का पता चला कि इस तरह से हुआ कितनी यादें जहन में आ गई और कितना दुण... मेरा और ऋषि कपूर का दोस्त दोस्ती बहुत गहरी थी क्योंकि हम लोग नियरली एवरी मंथ मिलते थे जब ये वहाँ से आए थे बीमार बीमारी जब हो गई थी उन्हें उसके बाद भी हम माँ अमेरिका में टच में रहा था मैं उनसे वह मस्ती वस्ती करते रहते थे मैंने कभी उनसे बीमारी का जिक्र नहीं किया क्योंकि वो तो उसमें अपने आप कोशिश कर रहे थे उससे बाहर निकल लेगी जब वो वापस आ गए तो हमारी मीटिंग हुई थी मैरियट में और हमने खूब देर बातें बातें की कॉफ़ी शॉफ़ी पिए और उस वक्त उन्होंने कुछ बात नहीं की बीमारी के बारे में मुझे भी कुछ उन्हें बोला मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैं खा पी सकता हूँ जो भी चीज़ें हैं और कुछ गिफ्ट्स आए थे बाहर से तो मैं उनको लेके गया था तो उनको दिए थे फिर थोड़े दिन बाद कुछ उनके फ्रेंड्स ने कुछ मुझे भेजा था कि जाके ऋषि को देना तो मैं गया था तो उस वक्त वो शूटिंग हो रही थी उस फिल्म की जो अब शायद रिलीज़ होगी नहीं होगी उसकी कुछ शूटिंग बाकी है कोई अजीब सा नाम था वेरी नाइस शूटिंग वॉज आई थिंक विद जूही चावला सो आई हैड गॉन टू गोल्डन टबैको वहाँ शूटिंग हो रही थी तो गोल्डन टबैको में मैं गया था वहाँ हम लोग बैठे थे मेकअप मैं मेकअप मैन में वेट कर रहा था क्योंकि वो ऊपर शूटिंग कर रहे थे फिर वो नीचे आए फिर लंच के टाइम पे हम लोग दोनों बैठे मैंने गिफ्ट दी बातें बातें की उस वक्त भी कोई ऐसी महसूस नहीं बात हुई कि वो नहीं रहेंगे मुझे ऐसा लगा था कि बिल्कुल सब कुछ समान हो गया एवरीथिंग इज़ ओके एंड देन आफ्टर एक महीने का जो दौरान था ना जब ये कोविड हुआ और uh, बीमारियाँ हुई और लॉकडाउन जैसे सब प्रोसीजर हुए उस पीरियड में मेरी बात नहीं हुई उनसे एंड नेक्स्ट डे आई वन डे आई गॉट द न्यूज़ दैट इज़ नो मोर सो दैट शॉक वॉज टेरेबल बिकॉज आई वॉज क्लोज टू हिम इरफान खान को मैं एक बार मिला था और ही वॉज जस्ट अ काइंड ऑफ अक्वेंटेंस टू मी तो मैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानता था मैं इतना जानता था कि उनको भी बीमारी ने बहुत मुसीबत में डाल दिया था और मैं सोचता था कि वो भी शायद जीत जाएंगे इस बीमारी से दोनों शख्सियत ऐसे थे मैंने सोचा था कुछ नहीं होगा इन लोगों को मगर अनफॉर्चुनेटली दिस हैपन्ड मगर वर्स रन वर्स वॉज वॉस्ट वॉट हैपन टू अंग बॉय कॉल सुशांत राजपूत सुशांत सिंह राजपूत बिकॉज वो तो लाइक फ़ोन ही हाथ से गिर गया यू कान्ट इवन बिलीव कि ऐसा कुछ हो सकता है मैं उससे मिला था लोनावला में जब हम लोग डेला रिसोर्ट्स में थे और वहाँ खड़ा था तब वो टीवी सीरियल्स कर रहा था मतलब एक ही टीवी से बहुत पॉपुलर था पवित्र रिश्ता और बोथ ऑफ देम ही एंड अंकिता लोकनडे वॉज वेरी वेरी फेमस तो मैं उससे गया था हाथ हाथ मैंने उससे मिलाया था क्या आई थिंक यूर अ सुपर एक्टर एंड एस अंदर बातें बातें की थी उसे कहा था नहीं मैं छोड़ रहा हूँ अभी मैं फिल्मों में जा रहा हूँ तो सर अपने पीक के ऊपर ये आदमी ये सब काम छोड़ के बोलता है। अगर फिल्म मैंने फिल्म का नहीं हुआ तो कहता फिर मैं अमेरिका जाके कुछ और करूँगा ऐसे मुझे बोलता था तो मैं उसको देखता था कि वो अ डिटर्मेंट गाया नेक्स्ट आई नो ही इज़ वेरी फेमस इन फिल्म एंड एवरी थिंग वॉज गोइंग ग्रेट फॉर हेम आई थिंक एवरी थिंग ऑज़ फाइन मुझे और कुछ उसके बारे में मालूम नहीं कि मैं एक बार यहाँ मिला था चाय कॉफ़ी में वो अंकिता लोखंडे और सब तब तक उनका दौर वहाँ का चल रहा था वो साथ फिल्मों में सक्सेसफुल हो, हो चुका था तब मैंने हेलो आई करके मैं वहाँ से निकल गया बस मेरी इसके इं, साथ इतनी इंटरेक्शन हुई है बट आई सॉ ग्रेट फ्यूचर फॉर हेम बिकॉज ए वॉज अ ब्रिलियंट ब्रिलियंट परफॉर्मर और मुझे ऐसा लगता था कि ये अपने वक्त का जैसे आयुष्मान खुराना बहुत टॉप पे है ये भी अपने नंबर नंबर वन के लेवल का हीरो है और न्यू जनरेशन का नंबर वन नंबर टू ये ही दो लड़के होंगे ऑल ऑफ सडन इज कमिटेड सुसाइड नो दैट शॉक वाज वेरी बैड आई टेल यू दिस कोविड में बहुत अच्छे लोगों के जिन लोगों और ओवर एंड अबो एक बहुत बड़े पोइट जो जितने भी गाने आप मेरे सुनते हो वो सब वो लिखते थे उनका नाम था अनवर सागर योगेश जी के बारे में बात करूंगा मैं मगर मेरी पोइट्री सब लिखते थे अनवर सागर और अनवर सागर हर दिन रात को मुझे सौ गाने भेजते थे हर दिन मुझे समझ जाता में आता था वो मेरे को चैलेंज करते थे तो भी बना इनको तो मैं बना देता था तो सुनते थे और खुश खुशनसीबी इस बात की कि उनके इतने सारे गाने जो चाहते थे रिलीज़ हुए वो सब मेरे पास है और मैंने वो रिकॉर्ड कर लिए और वो उनको सुना के और एक दिन उनका फ़ोन आया कि अबू मेरी तबीयत बहुत ख़राब है तो मेरे वो हॉस्पिटल जाओ उनको कोविड का डर था मगर एक्चुअली वो जो ब्रेथलेसनेस उनकी थी वो हार्ट रिलेटेड थी हार्ट वॉज गिविंग वे उन्होंने पूरे रोजे रखे थे और पूरे और बड़े दुबले किस्म के आए दुबले इंसान थे तो मुझे लगता है संभाव स्ट्रेस बहुत हो गया उनको और वो सहन नहीं कर सका हार्ट उस स्ट्रेन को नहीं सहन कर सका और वन फाइन नेक्स्ट थिंग आई नो इज़ नो मोर दैट डे आई वॉज एक्चुअली क्राइम बिकॉज उनका और मेरा इंटरेक्शन एवरी नाइट

अंडर होंगे हमारे इससे होंगे हमारे कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे हम जो बोलेंगे वैसे करेंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्साइन क्योंकि गाने के गाना इतना बड़ा काम है उसकी मार्केटिंग करना और उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट करना मार्केट इज़ इन वेरी बिग जिस तरह से वो रीच आउट करते हैं जिससे पॉपुलर होता है गाना मेरे बनाने से क्या होगा अगर कोई सुनेगा नहीं तो कभी पॉपुलर नहीं होगा एंड आई विल नेवर बी अ पॉपुलर आर्टिस्ट अगर कोई भी रिकॉर्ड कंपनी मुझे ले ले और मेरे गाने को एक करोड़ दस करोड़ सौ करोड़ लोगों के एक रात में पहुंचा दे और बड़े बड़े एक्टर गाने तो गाने की वैल्यू कहाँ से कहाँ से कहाँ से और वो सिंगर जाके फिर करोड़ करोड़ रुपए लेते हैं अस्सी अस्सी लाख रुपए लेते एक शो करने के लिए तो ये खटकती थी बातें तो मुझे लगता है रिकॉर्ड कंपनीज़ को कि दे वॉन्ट टू बी ए शेयर होल्डर इन दैट ऑल्सो एक्सेट्रा आई डो नॉट नो वट द तो वो शायद वो आर्टिस्ट को कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने बोलते थे सो दैट दे आर अंडर देम तो मैनी लेबल्स इन द वर्ल्ड आर डूइंग दिस प्रोसीजर मगर अगर आप नहीं करो और आप वेरे इस्टेब्लिश आर्टिस्ट हो और अगर आप अपने आप कर सकते हो तो करके देख लो तो पता चलता आप कुछ नहीं कर सकते आपके हाथ तो बाउंड आप कितने भी अच्छे सिंगर हो जब आपको रिकॉर्ड कंपनी नहीं हाथ लगाएगी आपको फिल्म प्रोड्यूसर आरती लगाएगा कोई हीरो आपको गाना नहीं देगा तो आपको गाना मिलेगा ही नहीं आपका गाना कभी स्क्रीन पे आएगा ही नहीं सो दैट दैट मीन्स दैट देर इज़ अ कंट्रोल फैक्टर ऑन इवन सेलिब्रिटीज़ मतलब कोई एक नए बच्चे की तो बात छोड़ो नए किसी के तो कुछ नहीं होना नए बच्चे को तो कहीं मौका ही नहीं मिलना मगर जो बड़े बड़े सिंगर्स हैं उनके साथ भी ये एटीट्यूड है कि हम आपको कभी उठा सकते हैं कभी है आपको एक गाना देना देंगे नहीं देना नहीं देंगे हम किसी नए लड़के को गवा के गाना सुपरहिट कर सकते हैं और गाना सुपरहिट करने के लिए तो मेरे डैडी बोलते थे क्लियर है गाना बजना चाहिए लोगों को सुनना चाहिए जब तक आप गाना नहीं सुनो एक बार मैंने नया गाना आपको सुना दिया वो आपको याद थोड़ी रहेगा मगर आपको सौ बार दो सौ बार वो गाना सुनने तो आपके गान कानों में गुनगुनाएगा फिर आप फॉरवर्ड करोगे ऐसे लोग खरीदते जाते हैं और स्क्रीन पर बड़ी फिल्म के साथ देखते हो तो गाने की वैल्यू तो गॉड नोस कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है सो यू के नॉट से दैट किसी सो so, जिसके हाथ में कंट्रोल है वो पावरफुल है फिल्म मेकर है वो पावरफुल है करण जौहर पावरफुल है यश यश राज फिल्म्स पावरफुल है Uh, बड़े बड़े एक्टर्स बहुत पावरफुल हैं जो चाहे जिनको चाहे ले सकते हैं जिनको चाहे निकाल सकते हैं दैट इज़ ऑल इट्स ऑल इन आई थिंक दैट कुड बी इन एवरी बिजनेस दैट कुड बी इन एवरी फील्ड दैट कुड बी एवरी वेयर सो जिसे कहते हैं नेपोटिज्म नेपोटिज्म लॉयर का बच्चा लॉयर बनेगा डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा तो भी नेपोटिज्म हो गया ना फिर तो एक्टर का बेटा एक्टर बने तो इसमें व्हाट वॉट इज़ द बिग डील सिंगर का बच्चा सिंगर बने म्यूजिक डायरेक्टर का बेटा म्यूज़िक डायरेक्टर बने बाहर वालों को आने नहीं दे पर बाहर वाले ही राज करते हैं आपने किसको यहाँ का बच्चा देखा है अरिजीत तो भार का ही है सोनू भार का ही है सब कोई लाइन के थोड़ी है श्रीया गुशल, श्रीया गुशल, श्रीया के तो जो रूल कर रहे हो तो सब भार के ही हैं अब वो लाइन के हो गए और फिर उनके बच्चे नेपोटिज्म में आ गए तो फिर वह अग... दिस देर इज नो एंड टू दिस सीरो वो डायलॉग आप चलती जाएगा वो होता जाएगा मगर जिसके जैसे आपका ह्यूमन रिलेशनशिप है अब मेरा रिलेशनशिप नहीं मैं इसको बोलता नहीं कि भाई आप मेरे आके इंटरव्यू लो ना मुझे नहीं इनका इंटरव्यू नहीं लेना किसी के ना इंटरव्यू नहीं लेना तो खत्म मेरे इंटरव्यू कोई नहीं लेगा तो इट्स लाइक दैट तो इट इज़ वन टू वन रिलेशनशिप विद एवरी थिंग इन एवरी बिजनेस इट इज़ लाइक दिस सो आई डोट नो बट इट्स सैड कि अपॉर्चुनिटी शुड बी गिवन अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग टू योर टैलेंट एंड ई इवन अपॉर्चुनिटीज वी गिव इन बट फिल्म इन नेवर लाइक दिस वो तो पर्सनल चॉइस है डायरेक्टर को एक चेहरा पसंद आ गया ये चेहरा मेरी कहानी बोलेगा पुराने जमाने में तो ऐसा होता था स्टूडियो साइन करके रखते थे राजेंद्र कुमार इनको ऑन अ सैलरी दि शू बी ऑन सैलरीज एंड देन दे बिकेम बिग बिग हीरोज देखोशिंग प्राइजेज सो थिंग्स आर वेरी इरेटिक देर इज नो सेट फार्मूला ऑफ वर्किंग इन फिल्म और देर इज नो क्वालिफिकेशन ऑफ वर्किंग इन फिल्म आई कुड बी अपर एक्टर प्रेजेंटेड टू अन पीपल एंड आई कुड बी द बिगेस्ट विलर बट आई एम नॉट प्रड सो आईम नॉट सो आई एम जस्ट आई एम बिग बॉस काज नो एक्चुअली बैरोमीटर तो हु इज गॉन् टू बी इट टू गुड दैट यू कान से जिसको अपॉर्चुनिटी मिल गई सो द पीपल हु गेव अपॉर्चुनिटी थिंक दे आर गॉड्स थिंक दे आर गॉड बो राजेश खन्ना जी की बात याद आती है मुझे वो कहती है मैं मान गया डायरेक्टर कमाल है राइटर कमाल होता है सब कुछ कमाल होता है मगर जब कैमरा ऑन होता है तब तो मैं बहन द कैमरा गोज ऑन तब तो बाबू जाए जो होगा तब तो मैं ही होता हूं तब डायरेक्टर क्या कर रहा <laughs> तब राइटर क्या कर लेगा ग्रेट स्टार सुपर स्टार उनकी जैसे तो सुपर स्टार शायद कभी हमारी जिंदगी में आई नहीं फिर कभी आए नहीं और तो ही वॉज लाइक दैट हीच इट के आई एग्री आई एग्री आई एग्री स्क्रिप्ट किंग बट वॉट वुड दे डू इफ आई टोल टू क्राइड लाइक दैट आई डेंट क्राइड सो ही वेरी क्लियरली के सी एवरीथिंग इज ग्रेट अल्टीमेटली आई हैव गॉट दैट क्वालिटी सो देर आर ग्रेट आर्टिस्ट देर आर ग्रेट सिंगर सोनू निगम इज अ ग्रेट सिंगर

कई अलग-अलग तरह और सलमान खान का क्या है।, वो बात समझ अभी भी ने, है। अभी और, और सलमान खान का ग्रुप करण जौहर का ग्रुप नहीं है सलमान खान इज सलमान खान वो अपना काम करते हैं आई अंडरस्टैंड हाउ सलमान खान इज कनेक्टेड टू सुशांत सिंह राजपूत सुशांत सिंह राजपूत इज कनेक्टेड टू दैट करण जौहर ही इज़ कनेक्टेड टू यश चोपड़ा फिल्म वेयर सलमान खान इज नॉट कनेक्टेड टू बोथ द बैनर्स ही डज इज इंडिविजुअल फिल्म ही डज इज इंडिविजुअल स्टाइल हाँ देट अभिनव कश्यप का स्टोरी इज वेरी सिंपल उनको दबंग वन बनी थी सुपर हीट टू उन्होंने बोला था आप दबंग टू मारली बनाओ वो भागे थे कि मैं दबंग क्यों तू क्यों बनाऊँ जब उनको फ्रेंचाइज एज अ बिजनेस एज अ बिजनेस द खान वॉन्टेड दबंग टू टू कम आउट Which would be equally successful with him as a director, but he said no, I don't want to direct. That's when Arbaaz had to take over, and film was a super hit. So their calculation was right. So if somebody, for them, it is like somebody letting go of a ship after you got an opportunity from us, you let go of us. So he let go of him, or they let go of him. That's the two different stories. I've heard that he did not do it, which he agrees on paper. दैट आई डिड नॉट डो इट बिकॉज मैं फिर वो दबंग थ्री करना पड़ता मुझे फिर मैं दबंग ही करने वाला हो जाता फिर ये अरे इस लाइन में तो यही है ना कि मनमोहन डिसाई हम लोग को सिखाते थे मैं हम लोग वही क्लोज से मनमोहन डिसाई अन्नू के म्यूजिक देता था हम लोग साथ में बैठते थे मनमोहन दिसाई बोलता मैंने बोला मनमोहन जी आपकी पिक्चर आपको मनमोहन दिसाई की फिल्म पता है कि नहीं अमर अकबर एंथनी ये जो फॉर्मूला है कि बच्चा बिगिनिंग में खो गया और फिर बच्चा बोलता है फेयर चश्मे फेयर लुकिंग गाय वाइट कपड़े अबू गाड़ी जब पटरी पे चढ़ रही हो ना तो उसको कभी उतारना नहीं चाहिए समझे कि नहीं यू एग्री विद मी यस सर आई एग्री टोटली तो बच्चा ब्रेड तूफान आया ये बाहर आई बच्चे एक इधर बच्चा एक उधर बच्चा एक उधर और बच्चा एक उधर और फिर वो बच्चे ऐसे मिल रहे हैं पब्लिक देख रही है खून की बॉटली जा रही है और पीपल आर वॉचिंग एंड पीपल आर लविंग इट बोलता आई एम अ फूल इफ आई डोंट डू द सेम गेट बिकॉज रनिंग When it stops running, I'll stop making. So it's like that कि जब वो कोई चीज चल रही है उनके दमक उनका एक सिग्नल फिल्म इंडस्ट्री की बात में लोग नहीं समझते कब आउट हो जाते यू डोंट इवन नो आउट इसलिए होते दैट थिंग एट दैट टाइम सूडो इंटेलेक्चुअल बनने की कोई जरूरत नहीं है पब्लिक आपको देख रही है ना पब्लिक को मजा आ रहा है ना पिक्चर देखने वो पार्ट टू भी गई देख रहे हैं पार्ट थ्री भी गई देख रहे हैं So चलो एट सम पॉइंट पार्ट फाइव तक बंद हो जाती मगर आपकी तो रोटी रोजी फिक्स हो जाती ना आप तो बना रहे हो आर देर बीच में आप अपनी सूडो इंटेलेक्चुअल फिल्में बना लेते जो आप बना रहे थे कमर्शियल डायरेक्टर इतना बड़ा सक्सेसफुल हुआ मीन्स क्या तबंग बड़ा फिल्म ना यू ट्राई टू ना यू ब्लेम समी फॉर इट अरे आपको आप यार लोग तरस रहे एक गाना मेरा ले लो यार एक गाना मेरा चला दो एक गाना मेरा गाना भी सुबह मेरे सलमान को बिछा hmm, दिल क्या तेरे नाम कर दिया तूने जीना हराम कर दिया दिल क्या तेरे नाम कर दिया हराम कर दिया मैं हो गया मशहूर दुनिया में दूर दूर इतना मुझे बदनाम कर दिया दिल क्या तेरे नाम कर दिया ऐसे गाने बनाए हुए अच्छे गाने चलेंगे ज़रूर मर प्रेजेंट होने चाहिए ना नहीं गाने घर पे सुन लो आप या yeah, प्रेजेंटेशन हो गई सब कुछ हो गया दुनिया में नाम हो गया फिर आप वॉकआउट करते हो फिर उसको गाली देते हो दैट आई फाउंड इज ऑल सलमान खान ए दो एसोसिएशन विद दिस बॉय एंड आई डोंट थिंक ही विल इंटरफियर बिकॉज ही इज लॉन्चिंग लॉट ऑफ यंग बॉयज़ सो आई डोंट थिंक ही इंटरफेयर ही डजन हैव टाइम फॉर दिस शिट सो वॉट एवर इज हैपनिंग मस्ट बी हैपनिंग विद अदर पीपल आई डोंट नो बट दिस मच आई नो कि ही डजन हैव टाइम वो अभिरभव कश्यप की कहानी तो मैंने आपको सुना दी मैं होता अभिद कश्यप तो मैं वर्न से लेकर टेंथ तक दबंग बनाते रहता Okay, we know what is being idle sitting at home when you do not have work. Chalo. People don't understand this in the film industry. Anytime you want to sit at home. Bad job.